तो सबसे पहले बात देश के एग्जिट पोल की। 542 लोकसभा सीटों पर हुई वोटिंग और उसका एग्जिट पोल का आंकड़ा आ गया है सामने। एनडीए की सरकार बनते दिख रही है एक बार फिर से। एग्जिट पोल में एनडीए 350 पार 2019 की तरह ही दिखाई दे रही है। तो देखिए, वही इंडिया को 125 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है। और आपको बता दें कि 1 जून को, यानी कि कल, जिस तरीके से सातवें चरण के मतदान के साथ चुनाव संपन्न हुआ था और फिर एग्जिट पोल्स जब सबके सामने आए थे तो 563 जो सीटें थी उसको लेकर मतदान खत्म हो चुका है। अब ईवीएम में जनता ने अपना फैसला कैद कर लिया है और 4 जून को फाइनल नतीजे सबके सामने आएंगे। अब आपको बता दें कि जैसा कि हमने अभी आपको बताया, इंडिया के पास 118 से 133 सीटें आने का अनुमान है, तो अदर्स के खाते में 43 से 48 सीटें आने का अनुमान है। तो एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार और मोदी की हैट्रिक का रुझान भी सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते सरकार बनाते दिखाई दे रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में गठबंधन इस बार अखिलेश यादव ने किया राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल हुए। 2019 में महागठबंधन नाम दिया गया। जब मायावती और अखिलेश साथ लड़े उस वक्त भी बीजेपी अपने बलबूते 62 सीटें जीतने में कामयाब रही और इस बार भी पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करती बीजेपी यूपी में दिखाई दे रही है, जब कांग्रेस के साथ में चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी। लेकिन बात जब दिल्ली की हम करते हैं तो दिल्ली में 7 के 7 सीटें बीजेपी 19 की तरह एक बार फिर से जीतने के लिए बढ़ती दिखाई दे रही है एग्जिट पोल्स में। और चलिए, एग्जिट पोल को लेकर क्या कुछ लोगों ने कहा है आपको सुनाते हैं एक एक करके कि क्या कुछ उनका रुझान देखकर आया है। हालांकि एग्जिट पोल के ऊपर उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले ही सुनाते हैं। देखो, मैं कहना चाहता हूँ, 2014 में भी 25 सीट जीते थे, 19 में भी 25 सीट जीते थे, और मैं कहना चाहता हूँ 24 में भी हम 25 की 25 सीट जीतेंगे। इस बार विधानसभा के चुनाव में काफ़ी समय बंगाल के अंदर में रहा, उस समय की परिस्थिति भी मैंने देखी, और इस बार भी मैं बंगाल के अंदर गया, इस बार भी मैंने देखा हमारा कार्यकर्ता जिस तरह से, वहाँ की जनता इस टीएमसी की सरकार से जितनी परेशान है। हम कह सकते हैं पहले हमारी बंगाल के अंदर 18 सीट थी और अब हम कह सकते हैं 28 और 30 सीट बंगाल के अंदर हमारी आने वाली, वो इस कांग्रेस के खिलाफ में, अन्ना हजारे जी के आंदोलन, ये भ्रष्टाचार हटाने की बात कहकर के आए थे और ये अखंड भ्रष्टाचार में डूब गए। और जिस कांग्रेस के खिलाफ ये आए थे, देखा आपने दिल्ली में, उसी कांग्रेस से इन्होंने गठजोड़ किया है। तो दिल्ली की जनता जान चुकी है कि केजरीवाल क्या है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली इसकी 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। विपक्षी गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है ये। विपक्षी हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति करता है, चुनाव आते ही ये लूट और झूठ की बात करते हैं, ये जनता को बरगलाने का काम करते हैं। और जनता समझ चुकी है, क्योंकि इनको परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद, प्रांतवाद, और यहाँ तक कि अब तो ये रंगभेद की नीति पर भी आ गए। 8 साल में आप नहीं कर पाए, वो मोदी जी ने 10 सालों में करके दिखाया है। मोदी जी को क्यों रोकना है कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया? मोदी जी को क्यों रोकना है कि मोदी जी ने धारा 370 हटा दी? मोदी जी ने देश को सशक्त कर दिया, आर्थिक रूप से विश्व की 5वीं बड़ी शक्ति बन गया और आने वाले दिनों में 3री शक्ति बनने जा रहा है। आखिर कोई कारण, लेकिन जनता अब इनका झूठ असली चेहरा जान गई, इसलिए देश की जनता का स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और 4 जून को प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा। आज से 8 दिन पहले, 10 दिन पहले चुनाव के जब 5वां चरण होने वाला था, उस समय एक नैरेटिव आया था और उसमें 1 तारीख को क्या होगा, 2 तारीख को क्या होगा, 4 तारीख को क्या होगा, 5 तारीख को क्या होगा, 6 तारीख को क्या होगा, वो सब बताया गया था।
उसमें यह तय किया था कि 1 तारीख को शाम को वो एग्जिट पोल से भागेंगे, 4 को नतीजे आएंगे, 5 को ईवीएम पर टिकरा फोड़ेंगे, 6 को जो है वो देश की जनता को दोष देंगे और 7 को घूमने के लिए विदेश जाएंगे। ये तय है, उसी फार्मूला से काम होगा। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत के साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगी और हमारे तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जहाँ जहाँ मैं प्रवास पे था, उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। और देश की जनता का भी यही नारा था कि 400 प्लस, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरह से देश के अंदर जो पिछले 2 कार्यकाल के अंदर काम हुआ है, और चाहे गरीब कल्याण की हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम किया गया, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास ये स्पष्ट दर्शाता है कि एग्जिट पोल के अंदर भी जो 400 प्लस के आसपास आंकड़े दिखा रहे हैं, तो मैं यही कह सकता हूँ कि 400 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही है और राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जाएगी। 2004, 2009, 2014 और 2019 के एग्जिट पोल देख लें। राजस्थान में क्या कहना है कि कहीं 17 से 18 सीटें बता रहे हैं और कुछ बता रहे हैं 23 से 24, क्या लगता है कौन सी सीटें? देखिए, 2-3 सीटों पर कड़ी टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। बाकी हम आज की तारीख में आशान्वित हैं कि पूरी की पूरी सीटें 19 का इतिहास दोहराएंगे। 2-3 सीटें कौन सी मानते हैं जिन पर टक्कर मानते हैं आप? टक्कर एक बाड़मेर जैसलमेर है जी, एक झुंझुनू है हमारी, एक चूरू है, इनमें टक्कर है, बाकी 25 में से 25। हाँ, बाकी एग्जिट पोल में बहुत धमाकेदार जीत बताई जा रही है मोदी सरकार की। बिल्कुल धमाका रहेगा, अपना भी धमाका होगा। एक बात आप मानकर चलिए, एग्जिट पोल में जो राजस्थान के लिए कहा है 7 सीटें कांग्रेस की आ सकती है, आप इसको 15 कर दीजिए। वो टर्नआउट हुआ है और पूरे देश में ये चर्चा थी कि जिस बीजेपी की सरकार ने सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया तो आरक्षण तो खत्म हो जाएगा अपना, जो आप सब संस्थाएं प्राइवेट कर दोगे, जमीन पर, आसमान में, चाहे हवाई जहाज हो चाहे रेल हो, सब आपने बेच दिया, प्राइवेट कर दिया, तो लोगों में बड़ा रिएक्शन था। ST SC OBC सब जगह रिएक्शन था, क्योंकि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी अपनी जगह जबरदस्त है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के रिएक्शन आपने देखे, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी साहब का क्या कहना है? जी मीडिया संवाददाता विष्णु शर्मा ने उनसे खास बातचीत की, देखिए क्या कहा उन्होंने। आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी मेरे साथ है, उनसे बात करते हैं कि क्या है? एग्जिट पोल आगे हैं, बहुमत दिखाया जा रहा है, क्या कहना? देश की जनता का स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। देश की जनता ने मोदी गारंटी पर विश्वास किया है। 2014 से पहले का दृश्य भी जनता ने, देश की जनता ने देखा है, और 2014 के बाद आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से भारत एक आर्थिक शक्ति बना है दुनिया में, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है, नौजवानों का हौसला अफजाई हुआ है, देश में चाहे गरीब हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, हर वर्ग के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए काम हुआ है, तो सांस्कृतिक राष्ट्रोत्थान भी हुआ है। तो देश की जनता ने पहली बार देखा है कि 60 वर्षों में जो सरकारों ने देश में राज किया, शासन किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सत्ता का दोहन किया और जनता का शोषण किया, झूठे नारे और वादे दिए। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, इसीलिए देश के हर कोने से एक ही आवाज़ है, फिर एक बार मोदी सरकार। और मुझे लगता है 4 जून को एक प्रचंड बहुमत के साथ फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राजस्थान में भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, कुछ सीटों का यहाँ पर एग्जिट पोल में नुकसान दिखाया जा रहा है, क्या लगता है कि ये एग्जिट पोल एग्जिट पोल में बदलेंगे, या क्या आपको लग रहा है कि ये केवल एक वो है? देखिए, 14 में 25 सीटें, 19 में 24 और एक अलायंस की सीट थी, और यही परंपरा मैं सोचता हूँ कि 2024 में भी ये परंपरा कायम रहेगी। राजस्थान की जनता ने असेंबली इलेक्शन में भी मोदी गारंटी पर विश्वास किया था और यहाँ डबल इंजन की सरकार बनी। फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए राजस्थान की जनता का सहयोग भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। राजस्थान में कई समीकरण बैठते हैं, चाहे सोशल इंजीनियरिंग का समीकरण हो, मुद्दे हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं हावी, प्रत्याशियों का चयन हो, ये तमाम बातें ध्यान रखी जाती है। क्या लगता है कि मुद्दे कौन से थे? क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं चुनाव में लोकसभा में, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी यहाँ पर थे, क्या नहीं लगता कि कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कहीं कहीं
जिस प्रकार से उनका स्वभाव है, फिर से इस चुनाव में यहाँ की जनता को भ्रमित करने का, गुमराह करने का फिर से प्रयास किया कि भाजपा आएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, कई प्रकार के भ्रम फैलाने का प्रयास किया। तो मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस की ये वृत्ति में है, ये आदत में है, स्वभाव में है, लेकिन देश की जनता का और प्रदेश की जनता का जो समर्थन है वो भाजपा के साथ है और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। पार्टी अध्यक्ष भी हैं और साथ में जो निर्णय होते हैं पार्टी में सामूहिक रूप से होते हैं। टिकट देने का वितरण किसको देना है, किसको नहीं देना, एक सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया। तो ऐसे में अब इन्होंने हालांकि विश्वास व्यक्त किया कि 25 सीटें 4 जून को राजस्थान से केंद्र की झोली में जाएगी।